आप कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं? अगली बार फॉन्ट चुनते वक्त जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक गलत फॉन्ट के चक्कर में एक पीएम की कुर्सी चली गई। जी हाँ, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के पीएम नवाज शरीफ को पद के लिए अयोग्य ठहराया, जिसके बाद नवाज शरीफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोर्ट ने ये कार्रवाई पनामा पेपर्स लीक मामले में की। आपको बता दें कि इस मामले में भ्रष्टाचार का केस चल रहा है नवाज शरीफ और उनके परिवार पर। पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ की कुर्सी जाने में माइक्रोसॉफ्ट के एक फॉन्ट ने अहम रोल अदा किया। असल में ये पेपर 2006 के थे और माइक्रोसॉफ्ट के फॉन्ट कैलिबरी में टाइप किए गए थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ये फॉन्ट आम जनता के लिए 2007 में रिलीज़ किया, जिसके बाद इन पेपर्स पर शक हुआ, क्योंकि जो फॉन्ट रिलीज़ ही नहीं हुआ उसमें आखिर पेपर टाइप कैसे हुए। बहरहाल, इस पूरे मामले के बाद पाकिस्तानी पीएम को अपना रेजिग्नेशन टाइप करना पड़ गया।